अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेथड्स या फंक्शंस इन सी शार्प। अब मेथड्स क्या होते हैं या फंक्शंस क्या होते हैं, ये एक ही चीज़ होते हैं। आप ये कह सकते हैं किसी भी काम को या एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप फंक्शन जो है वो कॉल करते हो। फंक्शन क्या है? फंक्शन तभी काम करेगा जब आप उसको कॉल करोगे। अगर आप उसको कॉल नहीं करोगे तो आपका जो फंक्शन है वो जो है वो वर्क ही नहीं करेगा। तो इसके मेथड डिफरेंस से आपको ये नज़र आ रहा है, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, ये सबसे बेसिक और एक प्री डिफाइंड फंक्शन है आपके सी शार्प का। आप कहते हो स्टैटिक वॉइड, आप हर फंक्शन को इसी से डिक्लेयर करते हो और मेन के मेन फंक्शन है जिसमें आप कोई भी काम करोगे या बाकी जितने भी डिफाइंड फंक्शन जो आप खुद कस्टमाइज बनाओगे या डिफाइन करोगे उनको आप इसमें कॉल करोगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हो स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे आप लिखोगे फंक्शन का नाम। अभी मैंने इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर जो है वो पास नहीं किए हैं, मैंने इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं पास किए हैं। हम एक जनरल फंक्शन बना रहे हैं, हमने फंक्शन बनाया स्टैटिक वॉइड माइनम, और इसमें मैं डिस्प्ले करवा देती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं इसमें मैं लिख देती हूँ इट्स फंक्शन। मैंने लाइन जो है वो इसमें राइट अप किए, एंड देन अब यहाँ अगर मैंने फंक्शन को कॉल करना है तो वो हम किस तरह कॉल कर सकते हैं। फंक्शन हमेशा मेन में कॉल होगा, ये या आप याद रखिएगा। अब फंक्शन को अगर हमने कॉल करना है हम क्या लिखेंगे, मैंने जो फंक्शन का नाम लिखा है माय नम, फंक्शन का नाम था माय नम, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। अब मैं जब भी स्टैटिक वर्ड में आएगा सबसे पहले क्या कॉल होगा, माय नम, क्योंकि आपका कोड हमेशा स्टैटिक मेन से स्टार्ट होगा इसलिए फंक्शन हमेशा मेन में कॉल किया जाता है। आपने माय नम को कॉल किया, वो इस फंक्शन को एक्सेस करेगा। देखें अब इसका यहाँ पे एक रेफरेंस हो गया, रेफरेंस क्या है, हमने ये कॉल किया था। और कंसोल डॉट राइट लाइन, अब क्या प्रिंट होगा, इट इज़ अ फंक्शन, ये है फंक्शन विद आउट पैरामीटर्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन विद पैरामीटर्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे आ गया इट इज़ अ फंक्शन, यानी कि क्या है, ये एक फंक्शन है। हम और भी फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, एक में मल्टीपल फंक्शंस हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पे इसको मेथड कह सकते हो माय नम, कि आपका फंक्शन कभी भी सेम नेम से नहीं हो सकता। आप जिस फंक्शन को पहले कॉल करोगे वही पहले आपको डिस्प्ले होगा। अगर मैंने सबसे पहला जो फंक्शन है वो कॉल किया है माय नम टू, तो आपको वही डिस्प्ले होगा। आपको अभी मैंने चेक करवाया था कि आप सेम नेम से फंक्शन नहीं बना सकते। देखिए अब माय नम के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, इसने कहा इसका ऑलरेडी एक रेफरेंस है, आप सेम नाम से फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। हमने यूज़ कर दिया माय नम थ्री, इट इज़ फंक्शन थ्री। और ये फंक्शन आपको मैं चेक करवाती हूँ, ये नम थ्री का जो हमने फंक्शन बनाया इसका अभी तक कोई रेफरेंस नहीं है क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया। तो इसकी जो इनपुट है वो भी आपको डिस्प्ले नहीं होगी। कौन सा फंक्शन मैंने पहले कॉल किया टू वाला, तो इट्स अ फंक्शन टू पहले डिस्प्ले होगा। सेकेंड फंक्शन मैंने बाद में कॉल किया तो इट इज़ अ फंक्शन जो है वो सेकेंड नंबर पर डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर मैं इसमें जो है वो थर्ड फंक्शन कॉल कर लेती हूँ माय नम थ्री, अब हम इसको चेक करते हैं तो हमारे तीनों फंक्शन आ रहे होंगे उसी ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में हमने इनको डिस्प्ले किया। अब आप तो सोच रहे हो मैं फंक्शन और मेथड दोनों का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसको मेथड भी कहते हैं और फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि इसका क्या काम होता है, यानी कोई भी फंक्शन कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए ये यूज़ होता है। आप फंक्शन में कोई भी वेरिएबल्स भी ले सकते हो, आप उसका काम करवा सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो इंट ए इज इक्वल टू फाइव, आपने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दिया ए, आपने ए राइट अप कर दिया। देन आप देखिए मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन एक नंबर कॉल किया ए, अब हमें यहाँ पे ए का रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए इट्स अ फंक्शन टू, उसके बाद नंबर क्या था फाइव, जो मैंने कॉल किया था वही हमें डिस्प्ले हो गया। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।